सपोज कि मैं यहाँ पर पॉइंट ए पर खड़ी हुई हूँ और मुझे पॉइंट ए से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो कि 1 मीटर का है। लेट्स से कि मेरा डिस्टेंस है 1 मीटर का और ये डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं पॉइंट बी पर पहुँच जाती हूँ और ये पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन जो वक्त लगता है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर आने के लिए तकरीबन कोई 60 सेकेंड लग जाते हैं। अगर आप कोई मुझसे ये पूछे कि आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, आपकी स्पीड कितनी रही, यानी कि आपने कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर अप किया, तो मुझे अपनी स्पीड बताने के लिए बहुत ही आसान काम करना पड़ता है कि जितना मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितने टाइम में ट्रैवल किया मैं उसे उससे डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो ये कुछ 0.016 मीटर पर सेकेंड आ जाता है और ये चीज़ जो है ये मेरी स्पीड कहलाती है कि मैंने इतनी स्पीड के साथ 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर अप किया। इसके अलावा मुख्य चीज़ों की स्पीड होती है, कार की स्पीड होती है, किसी बाइक की स्पीड होती है, आपके बोलने की स्पीड होती है, आपके चलने के, लिखने के, मुख्य काम करने की, मुख्य मशीनरीज वगैरह की स्पीड होती है, यानी कि उनके काम करने की सलाहियत कि उन्होंने कितनी, उनके मतलब कि उनके डिस्टेंस ट्रैवल करने की सलाहियत कि उन्होंने कितनी तेज़ी में अपना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है। जैसे कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको मालूम है, आप आज तक पढ़ते आए हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ 3 के बाद जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 डेसिमल से यहाँ से लेकर हमें इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा है तो जाके हमारे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आई है। इतनी बड़ी वैल्यू को जो है वो निकालना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। किसी छोटे से डिस्टेंस को निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, आपको मालूम है कि लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट को वाकई ही मालूम करना बहुत मुश्किल रहा होगा। आज हम यही जानेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को आखिर किसने डिटरमिन किया था और किस तरीके से डिटरमिन किया था। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसे माइकल सन्स एक नामी एक शख्स था जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटरमिन किया था। इनका नाम जो था ये माइकल सन है, माइकल सन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रोटेटिंग मिरर इस्तेमाल किया था। मिरर की जगह उन्होंने लेंस इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि आपको मालूम है कि लेंस और मिरर में एक डिफरेंस होता है। लेंस अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है और लाइट जब पास हो जाती है तो ये लेंस पे डिपेंड करता है कि वो उसे कन्वर्ट करता है या डाइवर्ट करता है। जबकि आपका जो मिरर है, आपको मालूम है कि मिरर की एक सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट होती है और दूसरी नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। इसका मतलब है कि लाइट जब भी उसके पास आती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई जो माइकल सन्स है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक मिरर इस्तेमाल किया था और मिरर भी ऐसा कि वो रोटेटिंग मिरर था, यानी कि रोटेट कर सकता था और उसके 8 कोने थे, यानी कि 8 एजेस थे और वो इस किस्म का था कि इसका ये 1, 2, 3 और ये 4, फिर ये 5, 6, 7 और 8, 8 फेजेस वाला वो जो था हमारा मिरर था जिसे हमने रोटेटिंग मिरर कहा था। और हर एज को उसने एक नाम दिया था कि ये फेस है, फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। माइकल सन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ये रोटेटिंग मिरर इस्तेमाल करने का फायदा ये हुआ कि लाइट जब किसी एज पर पड़ती और वापस जाती तो वो इसका डिस्टेंस नोट कर लेता और जितना डिस्टेंस एक फेज लेती उतना ही डिस्टेंस अगली फेज भी लेती। जैसे कि माइकल सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यहाँ पर उसने सोर्स इस्तेमाल किया था, ये हमारा जो है ये सोर्स है, इस सोर्स से ये लाइट इस एज पर आई, इसे लेट्स से कि ये फेज 1 है, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5, 6, 7 और 8। और इस मिरर के अलावा उसने एक प्लेन मिरर भी इस्तेमाल किया था, ये हमारा प्लेन या सेकेंडरी मिरर है। सबसे पहले जब लाइट आती है तो वो फेज 1 से टकराती है और फेज 1 पर आकर रिफ्लेक्ट कर जाती है और हमारे प्लेन मिरर के पास जाती है। मिरर और प्लेन मिरर और जो रोटेटिंग मिरर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे उसने डी मार्क कर लिया, लेट्स से ये डी है, और इसे अगर मैं कह दूं कि ये कैपिटल एम है और इस वाले मिरर को अगर मैं कह दूं ये स्मॉल एम है तो आप देखें कि लाइट जो है वो कैपिटल एम से स्मॉल एम की तरफ गई। अब लाइट वहां तक गई है लेकिन लाइट को वापस आने में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और वापस आने के लिए भी वो उतना ही डिस्टेंस लगता है जितना उसे जाने के लिए लगता है। तो जब लाइट यहाँ से टकरा कर वापस आती है तो ये फेज 3 से हिट करती है,
फिर थ्री से हिट करने के बाद आपको नजर आती है, लेकिन आप यहाँ पर जो है माइकलसन ने यहाँ पे एक टेलीस्कोप इस्तेमाल की थी और टेलीस्कोप के थ्रू उसने देखा था इस लाइट को। तो अब उसने क्या किया था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो लाइट का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। अगर आप ये देखें कि लाइट जो है जब तो ये जो हमारा रोटेटिंग मिरर होता है ना, ये क्लॉकवाइज मूव करता है, और जब इनिशियली स्टेड होती है ना, तब हमें सोर्स बिल्कुल ही टेलीस्कोप से ज़रा भी नज़र नहीं आता। लेकिन जब हमारा मिरर इतनी स्पीड अटेन कर लेता है कि काफ़ी तेज़ी से मूव कर सके, तो जाकर हमें जो सोर्स है वो विजिबल हो जाता है और नजर आना शुरू हो जाता है। अब लेट्स सपोज कि मैं अगर ये कहूँ कि हमारी लाइट जो है वो पहले एम तक आई, और एम से फिर वो स्मॉल एम तक गई, और स्मॉल एम से उसने वापस कैपिटल एम तक आना था ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में डी डिस्टेंस लगा और वापस आने में भी डी। तो ये डी और डी, इसका मतलब है कि हमें 2D डिस्टेंस जो है वो लगा है लाइट को ट्रैवल करने के लिए। लाइट का जो डिस्टेंस है वो 2D आ गया। अब अगर मैं लाइट की स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ, तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करनी हो, स्पीड मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है, हमें उसका तय करदा फासला चाहिए होता है, और कितनी देर में वो फासला किया गया है वो मालूम करना होता है। लेट्स से कि जो वी है इसे मैं सी कर लेती हूँ। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो डिस्टेंस है हमारा वो तकरीबन 2D है, और टाइम जो है हमें मालूम नहीं है। और एक और बात कि जो टाइम है, टाइम की बात की जाए तो टाइम, अगर टाइम की बात की जाए तो लाइट को एक फेज से दूसरी फेज में शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर आप टाइम पर गौर करें तो आप देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ वन फेज की बात करूं कि इधर आने में यानी कि अगर मैं ये कहूं कि लाइट फेज वन पे पड़ रही थी, अगर अब मैं ये चाहूं कि लाइट फेज टू पर पड़े, यानी कि एक फेज से दूसरी फेज तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो आप देखें कि इस जो फिगर है इसमें तकरीबन 8 कोने हैं, यानी कि 8 फिगर वाली ये जो है हमारी मिरर है, उसमें जाहिर सी बात है अगर लाइट पहली फेज पे पड़ी है तो उसे पहली फेज से दूसरी फेज तक जाने में तकरीबन T/8 टाइम लगेगा, यानी कि इसके 8 हिस्से हैं और एक हिस्से पे लाइट पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो टोटल टाइम का T/8 हिस्सा ले रही है, ये हमारा टाइम आ जाता है। इसके अलावा जो चीज़ रोटेट करती है, जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी जो है वो टाइम पीरियड भी होता है। तो अगर हमारा टाइम पीरियड जो है वो T=T/8 है, तो हमारी कोई ना कोई जो है वो फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अगर यहाँ पर मैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप इस्तेमाल करूँ, तो मुझे मालूम है कि इस टी को मुझे मालूम करना है ना, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स होता है, यानी कि 1/f। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 1/f/8 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास टाइम पीरियड निकल आता है जो कि 8f आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइकलसन्स को उस वक्त जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके रोटेटिंग मिरर की वो मालूम होगी, उस फ्रीक्वेंसी को उसने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके पास टाइम पीरियड निकल आया। तो इस तरह से माइकलसन के पास जो है वो टाइम पीरियड आ गया था। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिटरमिन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइम लाइट लेती है कैपिटल एम से स्मॉल एम तक जाने के लिए, उतना ही टाइम लग यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना लाइट टाइम लेती है कैपिटल एम से स्मॉल एम तक जाने और स्मॉल एम से वापस कैपिटल एम आने के लिए, उतना ही टाइम लगता है इस रोटेटिंग मिरर को मूव करने के लिए फेज वन से फेज टू तक, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम कैपिटल एम से स्मॉल एम की तरफ, और फिर एंड देन स्मॉल एम से कैपिटल स्मॉल एम से जो है वो कैपिटल एम आने में, ये इक्वल होती है कि लाइट जो हमारा टाइम है इसे टाइम शिफ्ट फेज टू एट पोजीशन ऑफ फेज वन, यानी कि ये दोनों का जो टाइम है वो बराबर होता है। जितना टाइम लाइट जो है टाइम लेती है एम से स्मॉल एम और स्मॉल एम से वापस एम तक आने के लिए, इतना ही टाइम हमारा जो रोटेटिंग मिरर है वो लेता है फेज टू से फेज वन तक या किसी भी फेज तक जाने के लिए, यानी कि फेज टू को फेज वन की पोजीशन पर लाने के लिए। तो अब अगर ये देखा जाए तो ये वाला जो टाइम है ये हमारा 2D/c के इक्वल है।
और जो टाइम पीरियड हमारा लगा है, जो टाइम हम लोगों ने लिया है रोटेटिंग मिरर ने लिया है फेस को शिफ्ट करने में, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो कि 1/8f है। तो अगर मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास जो सी है वो निकल आता है, जो कि 2d into 8f है। तो जो डी है वो भी हमें मालूम होगा और एफ वो भी हमें मालूम होगा, जो कि माइकल सन्स ने एक्सपेरिमेंट उस टाइम परफॉर्म किया था, तो उसे मालूम होगा ना कि कितने डिस्टेंस पे उसने मिरर को और रोटेटिंग मिरर को सेट किया था। तो इस तरह से ये 16fd आ जाता है, यहाँ पे एफ और यहाँ पर डी आ जाता है। तो डी और एफ की वैल्यू पुट करने से माइकल सन के पास स्पीड ऑफ लाइट निकल आती है, जो कि 3 × 10⁻⁸ m/s थी। तो इस तरह से माइकल सन ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, इनका डिस्टेंस अपने हिसाब से मेजर करके, अपने हिसाब से मेंटेन करके, और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी इसे मालूम था। तो डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी को उसने जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो उसके पास 3 × 10⁸ m/s स्पीड ऑफ लाइट निकल आई। तो इस तरीके से माइकल सन्स ने इतना बड़ा काम किया कि हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करके दिखाई, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके दिखाई। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट किस तरीके से फाइंड आउट की और किसने फाइंड आउट की। ये माइकल सन्स ने की थी और माइकल सन्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस्तेमाल की थी, जिसमें उसने जो है रोटेटिंग मिरर इस्तेमाल किया था, एक प्लेन मिरर इस्तेमाल किया था, एक सोर्स था, इसके अलावा टेलीस्कोप भी उसने इस्तेमाल की थी, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस और उनकी फ्रीक्वेंसी से उसने स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमिन कर लिया।